नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल इटारसी बैतूल के बीच NH-69 पर यातायात हुआ प्रारंभ। सुखतवक पुल के पास कच्चे रास्ते से निकल रहे हैं हल्के और लोडिंग वाहन। बैतूल जिले के पास सुखतवा में ब्रिटिश हुकूमत में बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद नेशनल हाईवे 69 पर जो यातायात बंद था, अब वह प्रारंभ हो गया है। हादसे के 55 घंटे के बाद मंगलवार की रात 8 बजे से क्षतिग्रस्त पुल के पास बने कच्चे सिंगल लेन के रास्ते से हल्के और लोडिंग वाहन निकलना प्रारंभ हो गए हैं। केसला थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि नदी में बने कच्चे रास्ते से रात 8 बजे से लोडिंग वाहन निकालना प्रारंभ कर दिए गए हैं। वहीं छोटे वाहन और बस आज सुबह से निकलने लगे हैं। सिंगल रास्ता होने के चलते एक एक करके वाहनों को निकाला जा रहा है ताकि जाम की स्थिति निर्मित ना हो। बैतूल, दो दुकानों में घुसे चोर, एक से खाली हाथ लौटे, वहीं दूसरी दुकान से करीब 50,000 रुपए कैश लेकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज में घटना आई सामने। बैतूल जिला मुख्यालय के सिविल लाइन इलाके में एक चोर ने दो दुकानों को बीती रात अपना निशाना बनाया। चोर को एक दुकान में से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन दूसरी दुकान में से उसने 50,000 रुपए के कैश पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस के द्वारा चोर की तलाश की जा रही है। बैतूल, आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने नगर में निकाला फ्लैग मार्च। बैतूल जिला मुख्यालय पर आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस के द्वारा आने वाले त्योहारों में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके संबंध में कोठी बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपने वाहन से शहर का निरीक्षण करते हुए नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्यौहार जहां पर हनुमान जयंती सहित रमजान के त्यौहार हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था और अशांति ना हो, इसके संबंध में शहर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। बैतूल, हमलापुर निवासी व्यक्ति के साथ पड़ोस में रहने वाले लोगों ने की मारपीट, शिकायत करने पीड़ित पहुंचा गंज थाने। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हमलापुर इलाके का है, जहां पर हमलापुर निवासी सुशील के साथ पड़ोस में रहने वाले 4 से 5 लोगों ने मारपीट करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित गंज थाने पहुंचा एवं इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस को जानकारी देते हुए उक्त युवक ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बच्चों को लेकर हुए विवाद में मारपीट करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वह गंज थाने पहुंचा एवं इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। बैतूल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का प्रथम नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। शिवाजी चौक पर शिवाजी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन पर कल बैतूल जिला मुख्यालय में वैभव पवार का भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर उनका स्वागत किया गया। वहीं शिवाजी चौक पर पहुंचने के साथ ही शिवाजी की मूर्ति पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारनी, शराब की दुकान संचालित होने से रोकने के लिए सारनी क्षेत्र के लोग पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, सौंपा ज्ञापन। रहवासी क्षेत्र में शराब की दुकान संचालित होने से परेशान सारनी क्षेत्र के समस्त वार्ड के लोग कल बैतूल के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे एवं उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जहां वार्डवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानें संचालित करने हेतु तैयारियां की जा रही है। यदि यहां पर शराब की दुकान संचालित होने लगेगी तो भविष्य में वार्डवासियों और राहगीरों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कल कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर इस पर रोक लगाने की मांग करी। बैतूल, माथनी गांव में दबंगों ने 10 एकड़ सरकारी जमीन पर किया कब्जा। ग्रामीणों को
खेत में आने जाने से रोका तो सभी ग्रामीण पहुंचे बैतूल कलेक्ट्रेट ऑफिस। आमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मातनी के ग्रामीण कल कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे एवं ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि दबंगों के द्वारा सरकारी जमीन जो कि करीबन 10 से 12 एकड़ की है उस पर कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कब्जा करने के बाद दबंगों के द्वारा उनके खेत तक पहुंचने में एवं आने जाने में रोक लगाई जा रही है, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर बैतूल कलेक्टर से की है एवं मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बैतूल सारनी पुलिस ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की हत्या करने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर भेजा जेल। सारनी पुलिस के द्वारा कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की हत्या करने के मामले में आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया और जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि उक्त आरोपी के द्वारा 16 बार चाकू से वार करते हुए उसकी प्रेमिका की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। बैतूल जिला न्यायालय ने मारपीट के मामले में व्यक्ति को सुनाई 6 माह की सजा, जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर भेजा गया जेल। मामला 6 माह पुराना है जहां पर शास्त्री नगर में मोहनलाल नाम के युवक के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद कल करीब 6 माह के बाद न्यायालय के द्वारा उक्त व्यक्ति को 6 माह की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि न्यायालय में लगातार यह केस चलता रहा, जिसके बाद सजा होने के पश्चात कल अस्पताल में मेडिकल करवाकर उक्त व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। मुल्ताई दैनिक वेतन भोगियों ने वापस ली हड़ताल, सीएमओ ने मानी अधिकांश मांगे। मुल्ताई नगर पालिका में दैनिक वेतन भोगियों के द्वारा पिछले 2 दिनों से जारी हड़ताल कल मंगलवार को समाप्त हो गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मधुकर साबले कल मंगलवार को मुल्ताई पहुंचे, जहां मुल्ताई आगमन पर दैनिक वेतन भोगियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बस स्टैंड से रैली के रूप में सभी लोग नगरपालिका पहुंचे। यहां पर सभी कर्मचारियों एवं सीएमओ के बीच महामंत्री साबले ने चर्चा करवाई, जिसमें सीएमओ और कर्मचारियों के बीच देर तक चर्चा चलती रही, जिसके बाद सीएमओ नितिन बिजवे ने दैनिक वेतन भोगियों की अधिकांश मांगों को मान लिया है। मुल्ताई बाबा साहब अंबेडकर जयंती बैठक में बाबा साहब के स्मारक के पास कार्यक्रम करने का लिया गया निर्णय। बाबा साहब अंबेडकर जयंती की तैयारियों के लिए आनंद बुद्ध विहार में बैठक का आयोजन किया गया। 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहब अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर कल विचार विमर्श किया गया। समिति ने सर्वसम्मति से जयंती समारोह बाबा साहब के स्मारक के पास मनाने का निर्णय लिया। 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे आनंद बुद्ध विहार से रैली शहर के मुख्य मार्ग पवारा चौक नागपुर नाका मटन मार्केट गांधी चौक होते हुए बस स्टैंड होकर आम सभा स्थल पर पहुंचेगी। मुल्ताई एसडीएम न्यायालय का फैसला, स्कूल की जमीन पर से कब्जा नहीं हटाने वाले 4 अतिक्रमणकारियों को 15 दिन जेल भेजे जाने के आदेश। मुल्ताई के एसडीएम न्यायालय के द्वारा पोहर के 4 अतिक्रमणकारियों को 15 दिन की सिविल जेल में भेजे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन चारों लोगों को बार बार नोटिस देने के बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद एसडीएम न्यायालय के द्वारा यह आदेश जारी किए गए। आपको बता दें कि स्कूल की जमीन पर इन चारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। मुल्ताई केंद्रीय विद्यालय के सामने खुला कुआं, खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं खेल, विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहा है सवाल। मुल्ताई के केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस स्कूल की ना तो खुद की बिल्डिंग है और ना ही बाउंड्री वॉल, ऐसे में विद्यार्थी स्कूल के सामने जिस मैदान पर खेल खेलते हैं ठीक वहीं पर एक जर्जर स्थिति में कुआं भी स्थित है, जिससे हादसे का डर बना हुआ है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक भी इस कुएं को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं होने के चलते उनके पास अन्य कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। आमला कमानी गेट पुलिया के पास अज्ञात कारणों के चलते 10 लोगों ने युवक पर पिस्टल तानकर की मारपीट, आमला थाने में शिकायत दर्ज। मामला आमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले
कमानी गेट पुलिया के पास का है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते 10 लोगों ने एक युवक पर पिस्टल तानते हुए उसके साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद फरियादी आमला थाने में पहुंचा एवं पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आमला बल्लाचाल में आपसी विवाद के चलते दो युवकों ने एक महिला को उसके घर में घुसकर पीट कर किया घायल, मामला हुआ दर्ज। मामला आमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बल्लाचाल आमले का है, जहां पर आपसी विवाद के चलते दो युवकों ने एक महिला को उसके घर में घुसकर मारपीट करते हुए घायल कर दिया, जिसके बाद महिला थाने में पहुंची एवं मारपीट का मामला दर्ज करवाया। घोड़ा डोंगरी आमडो गांव में महुआ बीनने गए दंपत्ति के साथ तीन लोगों ने की मारपीट, घायल दंपत्ति का चोपना पुलिस ने करवाया मेडिकल। मामला घोड़ोंगरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आमडो गांव का है, जहां पर महुआ बीनने गए दंपत्ति के साथ तीन लोगों ने मारपीट करके दंपत्ति को घायल कर दिया, जिसके बाद दंपत्ति थाने में पहुंचे एवं इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उक्त दंपत्ति का मेडिकल करवाया गया। घोड़ाडोंगरी हीरापुर गांव में पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे ने लगभग 40 लाख रुपए से बनने वाले तालाब के निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। घोड़ोंगरी तहसील के हीरापुर गांव में जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत सोमवार को घोड़ोंगरी के पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे ने करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तालाब के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण हेतु प्रेरित भी किया गया, साथ ही जागरूक भी किया गया। इस दौरान भाजपा नेता दीपक उइके, पंकज नागवंशी सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैंसदेही ग्राम पंचायत बटकी में जलाभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत, 42 लाख रुपए की लागत से बनेगा अमृत सरोवर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कल भैंसदे की ग्राम पंचायत बटकी में जल अभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके दौरान आपको बता दें कि 42 लाख रुपए से अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान पंचायत के सभी सदस्य एवं समिति के अध्यक्ष सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। भैंसदे पलसिया के उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला, इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं ग्रामीण। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार किए जा रहे दावे तब झूठे नजर आने लगे हैं, जब भैंसदेही के पलसिया अस्पताल को देखा गया। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कई समय से ताला जड़ा हुआ है, यहां पर मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके चलते यहां के मरीज झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर है। चिचोली गायत्री मोहल्ले में बीजासनी मंदिर में हुआ देवी जागरण, दी गई शानदार गीतों की प्रस्तुति। चिचोली नगर के गायत्री मोहल्ले में बीजासनी माता मंदिर में कल देवी जागरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शानदार गीतों की कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि चिचोली नगर के गायत्री मोहल्ले में 11 अप्रैल को बीजासनी माता मंदिर में भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि देवी जागरण के कार्यक्रम के दौरान भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया था। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र में खाटूश्याम मंदिर में भजन संध्या का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत कल खाटूश्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका आनंद लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए कलाकारों के द्वारा भजन गीत प्रस्तुत किए गए। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।